सुना दो कोई भी पॉइंट सुना दो जो आपको अच्छी सी आती है। रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के व्लॉग में जो उमेर है आप लोग को एक चीज़ की रेसिपी बताएगा। ये मुझे कह रहा था कि मैंने जो है वो रेसिपी मुझे बता रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो क्या है आइए इसे सुनते हैं जी। उमेर क्या रेसिपी का नाम है? बर्गर। बर्गर कैसे बनाते हैं? अच्छा, दोनों ब्रेड के ऊपर हम लोगों ने केचप डालना है, अंडा डालना है और उसको मेकर में रख देना है। फिर क्या करना है? अच्छा आप ऐसे ही करते हो। अच्छा तो कैसा लगा आप लोग को उमेर का बर्गर की रेसिपी? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अच्छा उमेर आपको कोई और चीज़ की रेसिपी पता है? उमेर जो है वो आज हमारे घर आया हुआ है और आज जो है ये अकेला आया हुआ है। तो ये देखिए कितना मासूम बना हुआ है कि ये कभी शरारतें इसने कभी की ही नहीं है। और जब इसका बड़ा भाई उमर आता है तो ये इतनी शरारतें करता है कि इसकी कोई हद ही नहीं। और देखिए आप कितने मासूम होकर बैठा हुआ है, जैसे ये वो शरीफ है। ठीक है ये क्या चीज़ होती है? कोई पोइम आती है? हाँ। सुनाओ फिर सुना दो कोई भी पॉइंट सुना दो जो आपको अच्छी सी आती है। जो है अब शर्मा गया है कैमरे के सामने। वैसे तो पूरा दिन इतनी शरारतें करता है ये दो भाई हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में उमर और उमेर की मैंने पहले भी आप लोगों से मिलवाया था। तो ये दोनों भाई जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इतनी शरारतें करते हैं, लेकिन आज ये अकेला आया हुआ था तो बिल्कुल भी शरारतें नहीं कर रहा था। और जो है बिल्कुल भी इसने शरारत नहीं की और मासूम बन के बैठा हुआ था। तो कैमरे के सामने तो बिल्कुल शाय हो जाता है, लेकिन ऑफ कैमरा जो है वो इतनी शरारतें करता है और इतनी बातें करता है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी जो है वो रात का टाइम है तो अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुमने जो है वो दूध पीना है कि जाग लगा दो नहीं खाओगी? तो मैंने कहा नहीं मुझे आज दूध दे दे, दिल कर रहा है कि दूध पीऊँ। तो दूध जो था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, इस वजह से दिल कर रहा था कि मैं दूध पीऊँ जामे श्री डाल कर। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसे पी कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। देखिए कितने मज़े का लग रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई और इतनी हब्स है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। और बारिश कह रहे थे न्यूज़ में कि होगी लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है। कराची में तो काफ़ी बारिशें हो रही हैं लेकिन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा हब्स हुई हुई है। माशाल्लाह से एक सिप लिया और सुकून आ गया पीकर। मुझे काफ़ी दिनों से मेरी छोटी बहन जो कह रही थी कि मेहंदी लगवा लो, क्योंकि मैंने ईद पे भी जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो सबको लगाती थी, फिर वो थक गई तो मैंने नहीं लगाई। तो मुझे कह रही थी कि तुमने ईद पे बैठ जो है वो मेहंदी नहीं लगाई तो अब तुम लगा लो। तो मैं उसको कह रही थी गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उलझन होती है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगानी। तो मुझे कह रही थी लगा लो लगा लो। तो वो फिर आज रात को भी, रात का टाइम है, काफ़ी लेट नाइट हो चुका है जो है वो इतनी ज़्यादा काम होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने का दिल ही नहीं करता। तो अब रात का टाइम है, अब जो है सारे काम करके मैं फारिग हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब जो है वो मुझे मेहंदी लगा लो।
माशाल्लाह मेहंदी जो है वो पूरी लग चुकी है, और माशाल्लाह देखें कैसी कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये मेहंदी कैसी लगी है, डिज़ाइन कैसा लगा है। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार लगा है, और ये देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, और उसने लगाया भी बहुत मेहनत से है। अगर आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो ये देखिए अब मेहंदी जो है वो थोड़ी थोड़ी सूख रही है, और ये देखिए ऊपर से जो है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इसको कहा मैं धो लेती हूँ, तो कह रही नहीं रहने दो, ठीक है। उसने मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ, और ये जो है वो मेहंदी ना धो। और माशाल्लाह से ये देखिए अभी देखते हैं धो के रंग कैसे आता है। ये देखिए माशाल्लाह से जो है मैंने इसको धो लिया, और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है, और कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है माशाल्लाह। ये देखिए अब जो है वो सुबह का टाइम है, सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है। रात को जो है वो मैंने वीडियो बस वहाँ तक ही बनाई थी, अब जो है सुबह का टाइम है तो मैंने जो है वो आलू की भुजिया बनाई है। इसकी रेसिपी जो है वो मैंने एक नया चैनल बनाया है कुक विद लिया के नाम से, उसके ऊपर ही मैं ये शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो है वो दूध वाला आ गया था, तो साथ ही मैंने कहा दूध उबाल लेती हूँ क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी में जो है वो दूध का ख़राब होने का ज़्यादा खतरा होता है, साथ ही उबल जाए तो ठीक रहता है। अब सुबह के नाश्ते के जितने भी बर्तन थे वो मैंने कहा धो लेती हूँ साथ साथ, और साथ साथ जो है व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो मैंने कुकिंग का चैनल बनाया है कुक विद लिया के नाम से, तो उस पर जो है वो मैंने फ़र्स्ट रेसिपी डाल दी है आलू की भुजिया की, जैसे कि मैंने आप लोग को भी बताया। तो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है, उसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। कुकिंग चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मैं कुकिंग तो करती थी, मैंने सोचा कि क्यों ना एक कुकिंग का अलग से चैनल बनाया जाए। कल जो है वो ग्रोसरी की चीज़ें लेने हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ से जो है ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उस वहाँ की जो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग दोपहर के टाइम गए थे, तो दोपहर को वैसे भी आप लोगों को पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ हेडबैंड थे, ये दो हेडबैंड जो है वो मैं अपने कज़न के लिए लेकर आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको ले लिया जाए। और साथ जो है मैं अपने लिए मैट लेकर आई हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों एक ही कलर के हैं, ये मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा था, तो सोचा कि बार बार जो है बाज़ार नहीं आया जाता, तो मैं जो है वो दो इकट्ठे ही ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने दो मैट लिए हैं, माशाल्लाह से इनका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है, ये देखें। और साथ में जो है वो क्लिप टूटे हुए थे, तो क्लिप भी मैंने दो लिए हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें ये है जी क्लिप। बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, पहले जो है वो मैं सनस्लिक जो गोल्डन है वो शैम्पू यूज़ करती थी, वो मेरी बहन को तो सूटेबल है, लेकिन जो मुझे है वो नहीं सूट करता, उससे जो है वो मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो अब मैं एक नया शैम्पू लेकर आई हूँ, उन्होंने कहा कि उससे बाल जो है वो नहीं टूटेंगे। पहले मैं ये शैम्पू यूज़ करती थी, ये मेरी बहन अब लाई अपने लिए, उसको जो है ये सनस्लिक काफ़ी सूट कर देता है, लेकिन मुझे जो है ये सूट नहीं करता, इससे जो है वो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और ये भी काफ़ी महंगा हो चुका है, पहले थोड़ी इसकी प्राइस कम थी, अब महंगा हो गया है। तो मैं जो है वो अपने लिए ये उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप जो है वो ये वाला शैम्पू लिए, ये बाहर का है, इसमें जो है वो कह रहे थे कि आपके जो बाल हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे। तो अब ये ट्राई करके देखती हूँ कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा, लेकिन अगर आप लोग को पता है कि ऐसे शैम्पू जिससे हमारे जो है वो बाल गिरना बंद हो जाए, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं वो भी ले सकूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिल सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।